हर्षोल्लास से मनाया भारतीय नववर्ष, भव्य शोभा यात्रा निकाली। भवानी मंडी में मनाए जाने वाले हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 के आगमन पर हिंदू नववर्ष स्वागत समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व सामाजिक संगठनों एवं सर्व हिंदू संगठनों द्वारा बुधवार को नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नंदूबाई आदर्श स्कूल रामनगर ने 3:30 पर रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का जगह जगह हर समाज वर्ग व संगठनों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर शहर को भगवा पताकाओं व 101 तोरण द्वार से सजाया गया। शोभा यात्रा में करीब एक दर्जन झांकियां, घोड़े, डांडिया, रास व दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ताओं ने अखाड़े का प्रदर्शन किया। साथ ही आदिवासी नाच आकर्षण का केंद्र रहा। हिंदू नववर्ष के चलते घर घर केसरिया पताका लगाया गया। वहीं शोभा यात्रा शाम 7 बजे मेला मैदान पहुंची, जहां भारत माता के दीपकों से आरती करने के बाद शोभा यात्रा समाप्त हुई। इस अवसर पर रामविलास प्रांतीय कुटुम्ब प्रबोधक ने आरती के बाद सभी को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक बने सिंह सोलंकी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष बालू सिंह चौहान, सूरजमल नागर, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, युवा समिति के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, नरपत सिंह नारूका, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, कल्याणमल मेघवाल, भवर सिंह कछवाहा व अन्य जन समूह महाआरती में शामिल हुए। अंत में नववर्ष समिति अध्यक्ष सुनीश दीक्षित ने सभी का आभार प्रकट किया। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तवर की रिपोर्ट। नववर्ष समिति अध्यक्ष सुनीश दीक्षित ने सभी का आभार प्रकट किया। 2080 के आगमन के स्वागत में आज हम सबने भवानी मंडी में एक भव्य शोभा यात्रा का और आयोजन किया, जिसमें देखने से लगता है एक भव्य शोभा यात्रा यानी नववर्ष का स्वागत कैसे होना चाहिए। और ये नववर्ष वास्तव में यही नववर्ष है हमारा। सारे जितने भी सम्मत है, जितने भी वर्ष है, वो आदि के दिन से प्रारंभ होते हैं और ऐसी कई सारी तिथियां समेटे हुए हैं। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से और कई पत्र के से बटन के माध्यम से पता लग गया है कि आज का दिन कैसा है। आज का दिन इस सृष्टि के प्रारंभ का दिन है। पितामह ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो आज ही का दिन था। फिर देखेंगे हम जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, भगवान श्री राम, उनके राज्याभिषेक का दिन है। महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते हैं, उनके राज्याभिषेक का दिन है। महर्षि गौतम, संत झूलेलाल, ऐसे कई सारे महान पुरुष, उनके अवतरण का दिन और संघ के हम स्वयं सेवक हैं। ऐसे डॉक्टर साहब केशवराव बलिराम हेडियावान आज के दिन इस धरती पर अवतरित हुए। महान पुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो अलग से अपना जन्मदिन नहीं मनाया जाए, विशेष तिथि को अवतरित होते हैं। ऐसे एक और महान पुरुष जिसको हम आधुनिक मनु के नाम से जान सकते हैं, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका जन्मदिन भी आज के दिन वर्ष प्रदीपता के दिन संवत 1948 यानी विक्रमी संवत के अनुसार बता रहा हूं, उनका जन्मदिन भी आज का दिन है।